पे है और यहाँ हर धर्म का आदमी अपनी उम्मीदें लेके आता है यहाँ, और हर किसी की उम्मीदें और मनोकामना पूरी होती है यहाँ पर। हेलो दोस्तों, तो आज हम जाने वाले हैं शेर अली बाबा की दरगाह पे, यानी कि जिनको आप जानते हैं थपली अली बाबा के नाम से भी। तो आइए शुरू करते हैं आज की जर्नी। रामनगर शहर में लखनपुर चुंगी के पास है बाबा की दरगाह का रास्ता, लेकिन दरगाह पर जाने से पहले हम लोग दरगाह पर चढ़ाने के लिए चादर लेने जाएंगे। दरगाह पर चढ़ाने के लिए चादर ले चुके हैं, तो आइए शुरू करते हैं आज की जर्नी, यानी कि बाबा की दरगाह के दर्शन। बाबा की दरगाह एक पहाड़ी के ऊपर है जिसे चढ़ने में करीब करीब 10 से 15 मिनट लगते हैं नॉर्मली, और अगर आप बिना रुके जाएंगे ऊपर को तो आप 5 मिनट में पहुंच जाएंगे। अब थोड़ा सा ही रह गया है, हम कितना आ चुके हैं आप देख रहे हैं पीछे से, इतना हम आ चुके हैं और इतना और रह गया है, तो छोटी सी ट्रैकिंग है पहाड़ी में बाबा की मज़ार है। और सिर्फ मुस्लिम ही नहीं, हिंदू, हमारे हिंदू भाई लोग भी बहुत मानते हैं बाबा को, सालों से मानते आ रहे हैं, और बाकी डिटेल आपको बताते हैं अभी धीरे धीरे। बाबा की दरगाह में अगरबत्ती, बताशे और चादर का चढ़ावा चढ़ाया जाता है। थपली बाबा के नाम से प्रसिद्ध शेर अली बाबा की मज़ार, जहाँ क्या हिंदू और क्या मुसलमान, सभी मज़ार में दूर दराज के क्षेत्रों से चादर चढ़ाने और दुआ मांगने के लिए आते हैं। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के अंतर्गत जंगल में ऊंची पहाड़ी पर शेर अली बाबा की मज़ार है। बाबा की ये मज़ार थपली वाले बाबा के नाम से मशहूर है। बताया जाता है कि सैकड़ों साल पहले शेर अली बाबा मई के महीने में इसी जगह पर दुनिया से रुखसत हुए थे, तभी उनकी याद में यहाँ पर मज़ार बनाई गई थी। धीरे धीरे काफ़ी ख्याति होने की वजह से हिंदू हो या मुसलमान, दोनों ही बिना किसी भेदभाव के यहाँ शीश नवाने बाबा की मज़ार पर आते हैं। लोगों की जब दुआ कबूल होती है, उनकी मन्नत पूरी होती है, तो लोग यहाँ वापस आकर चादर चढ़ाकर जाते हैं। हर साल अप्रैल मई के महीने में बाबा की याद में यहाँ पे उर्स का आयोजन होता है, जिसमें दोनों ही समुदाय के लोग बढ़ चढ़कर सहयोग करते हैं। रात के समय में रामपुर, मुरादाबाद, बरेली के कव्वाल कव्वालियाँ पेश करते हैं, और दिन भर पूरा जो मैदान है उस पर मेला लगता है, उस पर दुकानें लगती हैं, और लोग दूर दूर से यहाँ पे दर्शन के लिए आते हैं बाबा के। हम ये भी कह सकते हैं कि थपली बाबा की मज़ार कौमी एकता की एक बहुत बड़ी मिसाल है। बाबा की दरगाह रामनगर के क्षेत्रवासियों के लिए आस्था का प्रतीक है। शेर अली बाबा 7 भाई थे, उनके साथ साथ उनके भाइयों की मज़ार भी यहाँ पर मौजूद है। अगर आप यहाँ पे ऊपर तक आ रहे हैं तो सारी मज़ारों पे शीश नवाने ज़रूर आइएगा। जिस वक्त कोई दुआ या नमाज़ पढ़ रहा हो उस वक्त शूट करने की अनुमति नहीं है यहाँ पे, तो इसलिए हम आपको सिर्फ मज़ार दिखा रहे हैं। हमने यहाँ पे चादर चढ़ाई और बाबा ने हमारे लिए दुआ पढ़ी, हमने अपनी मन्नतें मांगी, और चलिए आगे दिखाते हैं यहाँ पे क्या क्या है। और यहाँ हर धर्म का आदमी अपनी उम्मीदें लेके आता है यहाँ, और हर किसी की उम्मीदें और मनोकामना पूरी होती है यहाँ पर। अपने अपनी श्रद्धा लेके आते हैं लोग, हर किसी की अपनी मनोकामना पूरी होती है। ये शेर अली बाबा का मजार है थपली वालों का। बाबा जो प्रति दिया चल रहा है वो भी हमेशा चलता रहता है क्या? वो भी हमेशा चलता रहता है वो। और ये 7 भाइयों का है, 7 भाई हैं यहाँ पर, बाकी मजार इधर हैं, वो उधर हैं, वो उधर हैं। और वो उर्स का 25 मई को होता है ना, ये जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, अप्रैल में होता है। अच्छा, अप्रैल में इनका व्रत होता है भंडारा बाबा का। बहुत बड़ा मेला जैसा होता है, बहुत बड़ा मेला लगता है यहाँ पर, बहुत लोग आते हैं बड़े बड़े दूर से, दिल्ली, बरेली, इधर बदायूं, मुरादाबाद, भोजपुर, पीपल थाना, काशीपुर, रामनगर,
रानीखेत, अल्मोड़ा, सब जगह से पुरुष में आते हैं यहाँ लोग। अपने अपने सबको श्रद्धा होती है, अपना अपना माथा दुआ मांगते हैं, समझे, हर किसी की मनोकामना पूरी होती है। हमारे यहाँ पर लोग बाग जो है ज्यादा से ज्यादा करके आते हैं। और हमारा जो नाम है गजी नसीन है, हम असरबली है, हमारा नाम कटाड़ी माम पर रहता है। आपके पापा और दादाजी भी? जी हाँ, वाली साहब का नाम हमारा असगर था, वो गुजर चुके हैं। अम्मी का नाम बताओ? अमीना, वो भी यहाँ पे गद्दी नशीन थे। जी हाँ, भाई वाला बहुत परेशानी है यहाँ। हाँ, बहुत परेशानी है। जी हाँ, अब लोग चढ़ के आते हैं, पानी पानी कहाँ से लाएं, पानी का। ये सही बात है, ये होना चाहिए, ये चीज़ें। हाँ, ये पानी का इंतजाम होना चाहिए। जिसकी भी सरकार आए, जो भी जीते, कोई भी हो, सरकार से हमें कोई मतलब नहीं, जो भी जिसको भैया ऊपर वाला देगा वो बनेगा। पानी का इंतजाम और दूसरा एक जाली का, जाली का जंगली जानवर, जानवरों का बहुत खतरा है यहाँ पर। और यहाँ हर किस्म का बच्चा, बड़ा छोटा, सब आते हैं, हर धर्म का आदमी पहुँचता है यहाँ पर। और यहाँ खतरा ज्यादा है थपली बाबा पर। और यहाँ हेडपम्प हो जाए एक, और चाली बोर्ड की हो जाए, चीजें हैं। जो भी सुन रहे हैं ध्यान दीजिएगा इस बात का आगे जाके। जी हाँ, रोजाना 1 बजे जो है घर जाएंगे, नमाज पढ़ेंगे, खाना खाएंगे, 2 बजे आ जाते हैं। 1 से 9 से 1 और 2 से 6। ठीक है, धन्यवाद बाबू जी। ठीक है, दर्शन तो हमारे हो गए, बट एक बेस्ट चीज आपको दिखाता हूँ यहाँ की, कि यहाँ से हमें पूरा रामनगर दर्शन हो रहा है। ऐसा कोई पॉइंट नहीं रामनगर में शायद जहाँ से हमें पूरा रामनगर दिखता हो, रामनगर के छोई तक दिख रहा है, हनुमान धाम भी दिख रहा है यहाँ से हमें, आप स्पॉट कर पाए तो। ये देखिए, हम लोग यहाँ के लोकल है तो हमें समझ में आ रहा है कहाँ पे क्या चीज़ है। रामनगर को इतनी ऊंचाई से कभी देखा नहीं था आज तक, आज पहली बार देख रहे हैं। मतलब पहले भी यहाँ पे आ चुके हैं हम लोग बाबा की मज़ार पे, बट इतना ध्यान नहीं दिया कभी कि पूरा रामनगर यहाँ से अच्छे से दिख रहा है। बाकी यहाँ के मैदान देखिए आप, ये अब कितना बड़ा मैदान है। आज से 6-7 साल पहले यहाँ पे हम लोग आया करते थे, मैं और मेरा दोस्त, और मॉर्निंग के टाइम पे जब हम थोड़ा रनिंग करते थे और ये ट्रैकिंग है थोड़ी सी, तो यहाँ दौड़ के आते थे ऊपर का, और यहाँ पे एक्सरसाइज करते थे हम लोग, इसी फील्ड पे एक्सरसाइज करते थे पूरा। और मतलब एनर्जी और एक जोश के साथ ना मज़ा आता था सुबह सुबह। और सुबह सुबह हमें यहाँ पे दिखते थे हिरन वगैरह, हिरन है, और कभी मोर दिखते थे, अभी कुछ दिख नहीं रहा है, मैं वही ढूंढ रहा हूँ कुछ दिख जाए। और वैसे यहाँ पे बाघ भी आता है, आपको बता दूँ, तो कभी भी अकेले या अंधेरे में ना आए यहाँ पे। वैसे आमतौर पे यहाँ पे शुक्रवार के दिन बहुत भीड़ रहती है, और आज भी थे, कुछ लोग थे, ज़्यादा लोग नहीं थे। अभी देखिए सनसेट भी होने वाला है, मोस्टली हम लोग सनसेट के टाइम पे क्यों आते हैं, कहीं भी जाते हैं तो। हम लोगों ने दुआ भी मांग ली है और मजार के दर्शन भी कर लिए हैं, अब निकल रहे हैं हम लोग वापस। आपको दिखाते हैं कि यहाँ से नीचे का नज़ारा कैसा है। हाँ हाँ बोले, हाँ बाबा जी पीछे बैठे हैं जो यहाँ दरगाह की देखभाल करते हैं, वो बोल रहे हैं कि पूरे रास्ते का ले लेना ताकि लोगों को पता चले रास्ता कैसा है यहाँ पे का। दिखाते हैं आपको, रास्ता आसान है बट जो थोड़े बुजुर्ग लोग हैं उनको दिक्कत हो सकती है इसमें। तो इस व्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं हम लोग, क्योंकि हम नीचे पहुंचने वाले हैं। और अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया है तो व्लॉग को लाइक करना, कमेंट करना, व्लॉग में कमेंट करना ना भूलिएगा। और अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए चैनल को, और बेल आइकन भी दबा दीजिए। और क्या बोलते हैं, और सब्सक्राइब कर देना। बोल दिया वो मैंने, कर दिया। हाँ, तो चलो फिर टाटा, अगले व्लॉग मिलते हैं।